Swati Sharma. आप सब लोग अधीर हो रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्हीं के श्रीमुख से हम युवा शक्ति का आह्वान सुनेंगे. विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेश शर्मा, कर्नल राजवर्धन राठौर, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुखिया श्री अतुल जैन, देश के कोने कोने से आए हुए सारे युवा साथियों और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश भर में जुड़े हुए सभी नौजवान, मुझे बताया गया कि यहाँ भी जगह कम पड़ी है तो किसी और कमरे में भी शायद काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग बैठे हैं, उनका भी मैं आदरपूर्वक यह स्मरण करता हूँ. आज 11 सितंबर है, विश्व को 2001 से पहले ये पता ही नहीं था कि 9/11 का महात्म्य क्या है. दोष दुनिया का नहीं था, दोष हमारा था कि हमने ही उसे भुला दिया था. और अगर हम न भुला देते तो शायद 21वीं शताब्दी का भयानक 9/11 न होता. सवा सौ साल पहले एक 9/11 था जिस दिन इस देश के एक नौजवान ने, कल्पना कीजिए, करीब करीब आप ही की उम्र का, 5 साल साथ आगे हो सकता, करीब करीब आप ही की उम्र का, गेरुए वस्त्रधारी, दुनिया जिस कपड़ों से भी परिचित नहीं थी, विश्व जिसे गुलाम भारत का प्रतिनिधि के रूप में देख रहा था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास में वो ताकत थी कि गुलामी की छाया उसके न चिंतन में थी, न व्यवहार में थी, न उसकी वाणी में थी. वो कौन सी विरासत को उसने अपने अंदर संजोया होगा कि गुलामी के 1000 साल के बावजूद भी उसके भीतर वो ज्वाला धधक रही थी, वो विश्वास उमड़ रहा था और विश्व को देने का सामर्थ्य इस धरती में है, यहां के चिंतन में है, यहां की जीवन शैली में है. यह असामान्य घटना है
मत सोचें कि हमारे चारों तरफ जब नेगेटिव चलता हो, हमारी सोच के विपरीत चलता हो, चारों तरफ आवाज उठी हो और फिर हमें अपनी बात बोलना हो तो कितना डर लगता है। चार बार सोचते पता नहीं कोई गलत अर्थ तो नहीं निकाल देगा, ऐसा दबाव पैदा कि इस दबाव ने कभी उसने अनुभव नहीं किया। भीतर की ज्वाला, भीतर का उमंग, भीतर का आत्मविश्वास, इस धरती की ताकत का कोई भली भांति जानने वाला इंसान विश्व को सामर्थ्य देने, सही दिशा देने, समस्याओं का समाधान रास्ता दिखाने का सफल प्रयास करता है। विश्व को पता तक नहीं था कि लेडीज एंड जेंटलमैन के सिवाय भी दुनिया में कोई बात हो सकती है। और जिस समय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये दो शब्द निकले, मिनटों तक तालियों की गूंज बज रही थी, उस दो शब्दों में भारत की वो ताकत का उसने परिचय करवा दिया था। वो एक 9/11 था जिस व्यक्ति ने अपनी तपस्या से मां भारती की पदयात्रा करने के बाद जिसने मां भारती को अपने आप में संजोया था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर भाषा को, हर बोली को जिसने आत्मसात किया था, एक प्रकार से भारत मां की जागृत अवस्था को जिसने अपने भीतर पाया था, ऐसा एक महापुरुष पल दो पल में पूरे विश्व को अपना बना लेता है, पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित कर लेता है। हजारों साल की विकसित हुई भिन्न भिन्न मानव संस्कृति को वो अपने में समेट करके विश्व को अपनत्व की पहचान देता है, विश्व को जीत लेता है। वो 9/11 था, विश्व विजयी दिवस था मेरे लिए, विश्व विजयी दिवस था। और 21वीं सदी के प्रारंभ का वो 9/11